ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। हमारी भारतीय जीवन परंपरा में, हमारी सनातन जीवन पद्धति में, हमारे जितने भी विधान हैं, जितने भी हमारे व्रत त्यौहार हैं, उन सब के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक आधार है, कोई न कोई ठोस तर्क है। हमारे ऋषि मनीषियों ने संपूर्ण प्रकृति का गहन अध्ययन किया और उसमें जो सूत्र उन्हें मानवता के लिए, समूची इस पृथ्वी के लिए, समष्टि प्रकृति के लिए जो लाभदायक लगे, उनको हमारी जीवन पद्धति में ताने बाने की तरह से गूंथ दिया। हम आज भी अपने रस्मों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कई बार लगता है कि हम उसमें केवल रस्म अदायगी की तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनके पीछे छुपे रहस्यों का पता नहीं है। हम पालन तो कर रहे हैं, लेकिन रहस्यों का जब पता नहीं तो जो लाभ उसका मिलना चाहिए वो हम नहीं उठा पा रहे। हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कर्म हो, चाहे वो विवाह हो, भूमि पूजन हो, मकान निर्माण की बात हो, कुछ भी, सबसे पहले गणपति का पूजन, सबसे पहले गणपति का पूजन हम अनिवार्य समझते हैं और करते भी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस गणपति पूजन के पीछे आखिर रहस्य क्या है। किसी और देव का पूजन क्यों नहीं? किसी भी शुभ कर्म में सबसे पहले गणपति का पूजन ही अनिवार्य क्यों है, ये हमें नहीं मालूम। बहुत से नहीं जानते, जानता भी हैं जो, वो बड़े सौभाग्य की बात है। हम समझते हैं कि हमें उस रहस्य का पता होना चाहिए, गणपति का पूजन क्यों होता है, उसके रहस्य यदि हमें पता चल जाए तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। हमारे सनातन धर्म में नवरात्र की बहुत महिमा है। वर्षों से, सदियों से हमारे सनातन धर्मी नवरात्र के पर्व को बड़ी आस्था से, बड़ी श्रद्धा से और उत्साह से मनाते आ रहे हैं। 9 दिन का ये जो साधना काल है, जिसमें दिन और रात्रि दोनों शामिल हैं, केवल रात्रि नहीं, दिन भी। दिन में क्या नहीं होता? स्थापना, हवन, जप आदि सारे कार्य, बहुत से कार्य दिन में भी संपन्न होते हैं, और बहुत से तो दिन में ही संपन्न होते हैं, लेकिन फिर भी उसका नाम नवरात्रा है। इस कालखंड का नाम, जिसमें दिन भी शामिल है, इस कालखंड का नाम नवरात्र ही क्यों हुआ? इस कालखंड का नाम 9 दिन क्यों नहीं हुआ? 9 दिन होने में क्या दिक्कत थी? 9 दिन ना होकर के नवरात्र होने के पीछे क्या रहस्य है? शायद हमें नहीं मालूम। हम आगे चलते हैं। नवरात्र के बाद अगर देखा जाए तो कृष्ण हमारे सबसे प्रिय देव हैं। कृष्ण का एक नाम माखन चोर भी है। माता यशोदा मांगने पर नहीं दे तो चुरा कर भी खाना, इसीलिए उनका नाम माखन चोर पड़ा। गाय उनके साथ बंधी हुई है, घी, दूध, दही, मक्खन, ये कृष्ण को बहुत प्रिय रहे। लेकिन जब उनका जन्मदिन आता है, जन्माष्टमी, हम रात्रि के 12 बजे तक इंतजार करते हैं, मंदिर में प्रतीक्षा करते हैं, कृष्ण जन्म होता है, प्रसाद लेकर आ जाते हैं। लेकिन कभी हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, या शायद कभी किसी ने दिया हो, कि कृष्ण के जन्मदिन पर प्रसाद के रूप में वो धनिये की पंजेरी ही क्यों बटती है? जब उनको मक्खन प्रिय था तो फिर मक्खन या मावे से निर्मित कोई दूसरी वस्तु प्रसाद के रूप में अनिवार्य क्यों नहीं हुई? धनिये की पंजेरी ही क्यों? कृष्ण से धनिये का क्या संबंध है? इस रहस्य से शायद हम अपरिचित हैं। शव यात्रा जब निकलती है, पीछे चलने वाले सारे व्यक्ति राम राम सत्य है बोलते हैं। प्रश्न तो मन में पैदा होना चाहिए, कौन से देवता का नाम झूठा है, किस देवता का नाम असत्य है? सभी देवताओं के नाम सत्य है। फिर उस समय वो राम नाम सत्य ही क्यों? क्या कारण है उसके पीछे? हमें शायद नहीं मालूम, और मालूम भी हो तो हो सकता है कि वो तर्क संगत नहीं हो, वो नहीं हो जो रहस्य है। अब एक बात
हम और करते हैं। दीपावली हमारा हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा त्यौहार है और उसके 11 दिन बाद जो एकादशी आती है उसको हम देव उठनी एकादशी बोलते हैं, देव दीपावली, देव प्रबोधनी एकादशी मानते हैं कि उस दिन देवता जाग जाते हैं, देवता उठते हैं। हम उसका अपने हिसाब से उस पर्व को मनाते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि ये देवता दिवाली के 11 दिन बाद ही क्यों उठते हैं? क्या कारण है इनके दिवाली के 11 दिन बाद उठने का? शायद इसके पीछे छुपे वैज्ञानिक रहस्य को हम नहीं जानते। यदि उससे परिचित हो जाएं तो हम उससे जो लाभ ले सकते हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसके रहस्य का मालूम नहीं है। देव उठनी एकादशी दिवाली के 11 दिन बाद क्यों आती है? हमारे ऋषि मनीषियों ने बहुत ही परिश्रम से पूरी प्रकृति को समझा, ब्रह्मांड को समझा और उनसे जो भी सूत्र मिले उनको उस आधार पे हमारी संस्कृति की, भारतीय परंपरा की, सनातन धर्म की उनने परंपराओं का निर्माण किया। ज्योतिष और जीवन की यात्रा का यह प्रथम चरण है। इस प्रथम चरण में हम आज श्री गणेश में श्री गणेश करते हैं एक रहस्य को समझने की, और वो है गणपति के प्रथम पूज्य होने का रहस्य। क्या कारण है कि हम किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणपति का पूजन करते हैं? हम मकान बनाने जा रहे हैं, मकान का कहीं अता पता है नहीं, मकान नक्शे पर रेखाओं के रूप में बना हुआ है। हाँ, हमारे मस्तिष्क में, हमारी कल्पनाओं में अवश्य हमारा मकान घूमता है। ऐसा हम ड्राइंग रूम बनाएंगे, ऐसी रसोई बनाएंगे, इस तरह गैलरी बनाएंगे, ऐसा टेरेस बनाएंगे, सब कुछ हमारी कल्पनाओं में होता है, मकान कहीं नहीं होता। जब विवाह का आयोजन करते हैं सबसे पहले विनायक स्थापना, जिस दिन विनायक स्थापना होती है उस दिन कुछ भी हुआ नहीं होता, सब बाद में होने वाला होता है, उस दिन कुछ भी नहीं होता। उस दिन कल्पना होती है हमारे मस्तिष्क में, ऐसी बारात ले जाएंगे, ऐसा भव्य रिसेप्शन देंगे, सब हमारी कल्पनाओं में होता है। किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान का मुहूर्त हम करें सबसे पहले गणपति पूजन, उस समय प्रारंभिक अवस्था होती है, हमारे मस्तिष्क में होता है कि व्यापार चलेगा, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद वो करेंगे, इस तरह विस्तार करेंगे, सब हमारी कल्पनाओं में, पता नहीं क्या क्या हमारी कल्पनाएं होती हैं। अब बात आती है प्रथम पूजन की, क्यों? वास्तविकता यह है कि जो शक्ति हमारी कल्पनाओं को ठोस आकार दे दे, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही उसको ठोस स्वरूप प्रदान कर दे, उसी का तो प्रथम पूजन करेंगे। यही कारण है कि गणपति की प्रथम पूजा होती है। अब प्रश्न पैदा होता है कि गणपति ही क्यों? इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे विज्ञान क्या है? तो इसके पीछे विज्ञान मूल रूप से यह है कि सारा खेल ही पंचतत्वों का है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों तत्वों में केवल पृथ्वी तत्व ही एक ऐसा तत्व है जिसका ठोस आधार है, बाकी चारों तत्वों का ठोस आधार नहीं है, केवल पृथ्वी तत्व ठोस आधार रखता है। अब गणपति का स्वरूप देख लीजिए आप, पृथ्वी पे जो सबसे भारी जानवर है, सबसे ठोस, वो उनका सर है, पेट बड़ा है, आहार लड्डू है, हर चीज ठोस है। क्यों? क्योंकि गणपति पृथ्वी तत्व के देवता हैं, पृथ्वी गणपति उस तत्व के देवता हैं जो ठोसता का प्रतीक है, बाकी चारों तत्व ठोसता के प्रतीक नहीं हैं। तो जो व्यक्ति या जो शक्ति या जो देवता हमारी कल्पनाओं को ठोस आकार दे दे, जैसा हम चाहते वैसा ठोस स्वरूप उसका निर्माण कर दे, उसी को तो पहले पूछेंगे। यही कारण है कि गणपति का प्रथम पूजन होता, सर्व पूज्य, सबसे सर्वप्रथम पूजन गणपति के होने के पीछे कारण यह है, क्योंकि उनमें क्षमता है
हमारे स्वरूप, हमारी जो कल्पना का, हमारी जो मानसिक, जो हमारी चाहत है, जो कामना है, उसे ठोस आकार देने की क्षमता है गणपति में। क्षमता क्यों? देखिए आप, पृथ्वी की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? पृथ्वी की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति ही पृथ्वी की सबसे बड़ी शक्ति है। गुरुत्व यानी भारी, बहुत भारी, सबसे भारी आकर्षण शक्ति अगर है तो वो पृथ्वी में है। और गणपति जब पृथ्वी तत्व के देवता हैं तो आकर्षण की सबसे ज्यादा क्षमता वो अगर है तो वो गणपति में है। किसी भी चीज की हमें प्राप्ति तभी संभव है जब वो सूक्ष्म रूप में हमें, हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, तभी हमें प्राप्त हो सकेगी, वरना नहीं। गणपति में क्षमता है वो कि उन वस्तुओं के, उन कामनाओं के परमाणुओं को, उन कामनाओं को ठोस रूप में हमारी ओर आकर्षित करके हमें उनकी प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए गणपति प्रथम पूज्य हैं। यही कारण है कि हम गणपति की सबसे पहले पूजन करते हैं। उसके पीछे वैज्ञानिक आधार ये है। कहने को तो हम सुनने को सुनते हैं कथा, शिव पार्वती का आशीर्वाद, कहीं किसी और का आशीर्वाद, लेकिन वो कहानी के रूप में प्रिय हो सकती है लगने में, सुनने में, लेकिन वैज्ञानिक को तर्कसंगत आधार वो नहीं है। तर्कसंगत वैज्ञानिक आधार ये है कि गणपति आकर्षण के देवता हैं, प्रबल आकर्षण शक्ति उनमें है और वो सब कुछ हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं जो हमारी कामना में है, जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त करा सकते हैं, हमारी तरफ आकर्षित करके उसे ठोस आकार दे सकते हैं। इसलिए गणपति की प्रथम पूजा होती है। इस ज्योतिष और जीवन की यात्रा के इस चरण में हम आज इतना ही। अगले चरण में हम ज्योतिष, वास्तु, मंत्र विज्ञान, तंत्र, हमारी संस्कृति के जितने भी विषय हैं, हमारे मनीषियों ने उनको हमारी परंपराओं में ऐसे गूंथा है जैसे ताने बाने के साथ कोई चीज गूंथ दी गई हो। हम इन सबको समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम समझते हैं इसको तो ये निश्चित रूप से हमारे लाभकारी रहेंगे। इसी के साथ आपको नमस्कार, प्रणाम।